सो दोस्तों, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी दुकान पर और अभी दोस्तों शाम के बजे 5, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और भाई अंधेरा भी जो है होने वाला है, ठीक है। और आ दोस्तों, मेरे साथ है मेरा बड़ा वाला भाई, तो वो जो है अभी भाभी साहब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, आज जो है मतलब सुबह सुबह जो है ज़्यादा काम था, तो इसलिए जो है यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी जो मशीन आई हुई है, ठीक है। तो ये सब जो है रिपेयर भी किया था, ठीक है। तो अभी दोस्तों शाम के टाइम जो है आज वैसे कुछ खास जो है सेल नहीं हुई, ठीक है। तो गाइस बैठा ही था, तो इसलिए मैं ये जो है वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज आपको जो है एक चीज़ बतानी थी कि मतलब जैसे हमारे जैसे इलेक्ट्रिकल की दुकान है ना, तो गाइस यहाँ पर हमने जो है बहुत सारे जो है केबल्स वगैरह मंगाए हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है भाई, मेरे जो है इलेक्ट्रिकल की दुकान है, ठीक है, ये देख सकते हो। तो भाई वायर वगैरह तो हम भाई रखेंगे ही रखेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब हमारे दुकान में अभी जो है अभी के फ़िलहाल अभी के टाइम में मतलब एक बंदे का जो पेमेंट है वो लगभग जो है 1 लाख का पेमेंट है, ठीक है। और उसको हमने जो है देने में लगभग जो है 1.5 साल लगा दिए, ठीक है। 1.5 साल से भाई उसका जो पेमेंट हो रहा है और अभी तक वो जो पूरा हुआ नहीं है, और अभी भी जो है उसके 10-12 हज़ार रुपये बाकी है ना। तो गाइस अभी मैं बताने वाला हूँ कि इतना लेट पेमेंट क्यों हो रहा है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमने जो उसके पास से मंगवाया क्या था, है ना। तो दोस्तों आपको बताऊं, तो भाई यहाँ पर जो है, वहाँ पर अगर आप सबसे ऊपर देख रहे हो भाई, मतलब स्पाइक है ना, वो स्पाइक लिखा हुआ है ना, ये जो सारे जो मतलब आप जो डब्बे देख रहे हो, तो गाइस इसमें जो है सारे वायर्स है ना। तो जो लाइट फिटिंग का जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं ना, 1 mm, 1 mm, 2.5 mm, ठीक है। तो गाइस वो जो है वायर्स वगैरह है उसमें। तो यार उसमें क्या हुआ कि मतलब यहाँ पर जो सारे ऑर्डर्स वगैरह जो पापा और बड़े भाई देते हैं ना, तो यार मतलब जब वो आज से 1.5 साल पहले आया था तो उसका जो स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो उसने बोला कि यार जो है नया माल लिखाओ। तो पापा ने भाई सिर्फ है ना 50,000 का माल लिखाया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब 50,000 का माल मंगवाया था तो सामने वाले बंदे ने जो है एक मतलब जो होशियारी कर दी। तो उसने जो है वो डेढ़ होशियारी ये करी कि मतलब उसने जो है 1 लाख का माल भिजवा दिया, ठीक है भाई, मतलब सीधा डबल माल भिजवा दिया, ज़रा सोचा भी नहीं और हमसे भाई उसने मतलब पूछा भी नहीं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मतलब 50,000 का माल हमने मंगवाया तो उसने 1 लाख का भेज दिया, ठीक है, ज़बरदस्ती भेज दिया भाई, और सबके जो है डबल डबल बंडल भेज दिया। जैसे कि किसी के 5 मंगवाए तो भाई उसकी जगह 10 भेज दिया, ठीक है। तो ऐसे करके जो है उसने बिल बनाया 1 लाख रुपये का, है ना। तो गाइस ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार मतलब 50,000 के मंगवाए और सीधा भाई वो मतलब डबल माल भेज दे, ठीक है। तो ये चीज़ भाई ये अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा इसलिए क्योंकि माल आ रहा है, ठीक है, सामने वाला जो है ज़बरदस्ती माल भेज रहा है, ठीक है, और वो भी उधारी पर। तो ऐसे भाई कोई माल भेजता नहीं है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर डबल माल भेजता है तो भाई उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, तो पैसे देने में जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो गाइस उसने क्या किया, मतलब उसने ज़बरदस्ती यहाँ पर 1 लाख का माल भिजवा दिया। फिर जो यहाँ पर हमारे हमसे जो है पेमेंट लेने आता है, तो गाइस उसको जो है मतलब पापा ने हम सबको बोला कि इसको 1.5 साल से पेमेंट देना है, ठीक है, मतलब 1 साल से देना है। लेकिन दोस्तों उसको जो है लगभग देते देते 1.5 साल हो गया है ना, और अभी भी जो है 10-12 हज़ार रुपये बाकी है, अभी हमने जो दिए हुए नहीं है, क्योंकि उसका भाई यहाँ पर जो है माल भी पड़ा है, ठीक है, लगभग जो है 75% अभी तक माल पड़ा है और 25% जो है बिका है, ठीक है, उसका आधे से ज़्यादा जो है माल पड़ा हुआ है ना। तो यार मतलब एक भाई मतलब गुस्सा भी आता है कि यार डबल भेज दिया, अब इसका पेमेंट कैसे भरेंगे, ठीक है। तो भाई उसका पेमेंट ही हम जो है लेट दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई मतलब और वो भी जो भाई जितनी बार आता है तो उसको भाई कभी कभी जो गोली मतलब गोली देनी पड़ती है, ठीक है। और दोस्तों उसको जो पेमेंट भी हम जो है लगभग 1.5 साल से पूरा होने जा रहा है उसका पेमेंट, लेकिन अभी भी जो 10-12 हज़ार बाकी है, तो वो लगभग जो है आने वाले सप्ताहों में जो पूरा हो जाएगा। तो गाइस मतलब यार ज़बरदस्ती माल भेज देते हैं तो उसके साथ भाई ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि यार मतलब इतना माल भेज देता है और उसका हमने जो पेमेंट है ना वो लगभग 1.5 साल से अभी भाई पूरा करेंगे, और वो जितनी बार आते हैं उतनी बार भाई मतलब हाथ जोड़े करते हैं कि भाई पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, ठीक है। तो गाइस उसका मैं अभी आपको जो बिल बताने वाला हूँ, है ना। तो यार उसको जो है मतलब बहुत सारी हमने जो किस्तों में उसको पेमेंट दिया है, तो यार ये उसका जो है वायर का बिल है ना, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो गाइस ये जो बिल है 10/7/2023 का, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब 97,770 का बिल है, यानी कि दोस्तों लगभग 1 लाख रुपए का बिल है ना। और दिया कब है भाई,
दस तारीख और सातवें महीने में दिया है ना, सितंबर या अगस्त सितंबर में, ठीक है। तो गैस ये जो है लगभग 1.5 साल पहले की पर्ची है, और यहाँ पर जो है हमने इतनी बार जो है उसको किस्तों में पेमेंट दिया, ठीक है। 2,000-2,500 भाई इतना पेमेंट देते हैं, ठीक है, और वो भी भाई किस्तों में देते हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो सारा जो है किस्तों में हमने पेमेंट दिया है, कभी 2,500, 1,500, 2,000, 3,000 ऐसे करके, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसका जो लास्ट पेमेंट हमने किया है 2,000 रुपये का, वो 11 तारीख 11वां महीना 2024 को किया है, ठीक है। तो इसका लास्ट पेमेंट है 11 तारीख 11वां महीना, ठीक है, यानी कि 11 नवंबर का भाई लास्ट पेमेंट है, उसके बाद हमने दिया नहीं है, ठीक है। और अभी भी जो है 10-12 हज़ार उसका जो पेमेंट बाकी है, ठीक है। तो गाइस ये जो है ये पेमेंट जो है लगभग 1.5 साल से भाई पूरा होने जा रहा है, ठीक है। और अभी जो है 1.5 साल हुआ भी नहीं है, जनवरी को 1.5 साल होगा, और तब जाके अगले जनवरी तक हम जो है इसका पेमेंट पूरा करेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर ऐसी पार्टी हो ना तो भाई मज़ा आता है धंधा करने का, ठीक है। और एक बात बताऊँ, ये जो पेमेंट लेने हर सोमवार को आता है, तो इसका जो मार्केटिंग वाला बंदा है तो गाइस वो जो है इसका पेमेंट लेने आता है, ठीक है। और अभी जो है लगभग अगले जनवरी को भाई इसका पूरा पेमेंट करेंगे 1 लाख का। भाई मतलब ऐसी पार्टी होना तो धंधा करने का भाई मज़ा आता है, ठीक है। जो माल भी भेज दे और भाई पेमेंट भी जो है सप्ताह में भाई एक दिन आता है पेमेंट लेना, ठीक है, और वो भी भाई 2 से 3 हज़ार का कर देते हैं। तो गाइस इससे जो लोड भी नहीं पड़ता है और धंधे का धंधा हो जाता है, और उसी जो है माल से पैसे भी कमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इस बंदे ने क्या किया, मतलब बाहर भी भाई इतना सारे भेजते हैं, तो इसलिए जो है ये पेमेंट लगभग 1.5 साल से पूरा हो रहा है ना। नहीं तो दोस्तों इसका जो पेमेंट है 6 महीने भाई हम जो है इसका जो पूरा क्लियर कर देते हैं, लेकिन इस बार बंदे ने क्या किया कि भाई पूरा 1 लाख का माल सीधा भेज दिया, ठीक है, और वो भी भाई हमसे जो है बिना पूछे, है ना। तो गैस इसमें जो है पेमेंट लेट हो गया, और पापा ने भी बोला कि इसका जो इस बार पेमेंट लेट करना है ना, तो गैस आगे से जो है ये इतना माल जो भेजेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यार फिर भी मतलब सामने वाले ने जो है इतना माल भेजा है, तो गैस जो है धंधा करने का मज़ा भी आता है कि अगर पेमेंट लेट देना हो और सामान हमारे पास उधार देने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो गैस होलसेलर अगर उधार देते इतना सारा माल, तो यार धंधा करने का भी जो मज़ा आता है, तो मतलब कुल मिला के ऐसी पार्टी होना तो भाई धंधा करने का जो है अलग ही मज़ा आता है, तो ऐसी पार्टी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, और आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।